أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم رمضان المبارك مهينا अल्लाह की रहमतों का खजीना है। साल में हमने देखा कि हुकूमतें शजरकारी के लिए मेहनत करती हैं और एक मुहिम चलाई जाती है, तो बस ये मुहिम भी इसी तरह की मुहिम है कि ईमान वालों के गुनाहों को माफ करने के लिए। ये रमजान का महीना जो है ये गुनाहों को माफ करने के लिए खास तौर से बनाया गया। सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते थे कि अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बंदों को आजाद देना होता तो इन्हें रमजान का महीना और सूरह इखलास आता ना पढ़ना चाहिए। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला इरशाद फरमाया करते थे कि अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने बंदों को आजाद देना होता तो इन्हें रमजान का महीना और सूरह इखलास आता ना पढ़ना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत का इरादा खैर का है और पूरे महीने को उन्हें फर्ज है और सूरह बकरा की एक आयत है जिसमें रोजे की फजीलत के बारे में हुक्म दिया गया। इस आयत के अंदर बहुत कुछ इसरार और रमूज हैं, बहुत समझने वाली हिकमतें हैं। इस आयत को सुने फिर उसके पॉइंट को हम गौर करते हैं। फरमाया या अय्युह अल्लज़ीन आमनू ऐ ईमान वालों, रास्ते में कोई वक्त का बादशाह सदर बदले आना अपनी गाड़ी रोक कर उससे मिल ले और थोड़ी सी शराब दुआ करे, क्या वो इस वाक्य को अपनी जिंदगी में कभी भुला सकता है? मेरी क्या हैसियत थी वक्त के बादशाह ने मुझसे बात की? वो इसको अपने लिए एक एहसास समझेगा जबकि बादशाह भी मखलूक, ये गधे गाड़ी वाला भी मखलूक। इधर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो हमसे खिताब किया वो खालिक और मखलूक, उस बादशाह को गधे गाड़ी वाले से खारोब से जो निस्बत है ना, हमें अल्लाह से वो निस्बत भी नहीं। अल्लाह तो खालिक है, हम तो उसकी मखलूक है। तो ये मान लें एहसास की बात है। बनी इसराइल ने, बनी इसराइल को तौरात में अल्लाह ने एक मर्तबा बराए रास्त खिताब किया था, उस एक खिताब की वजह से सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में आ गए और तरक में आप ये कहते थे नहनु अबनाउल्लाहि व अहबाउ, हम तो अल्लाह के बेटे और उसके दोस्त रिश्तेदार हैं, हमें जहन्नम की आग नहीं लग सकती। अय्याम मादूदा, किसी कोई पैसे चक्कर लगा दिया तो अलग बात है, नहीं कर सकती। एक तरफ खिताब और कुरान मजीद में अल्लाह ने हमें 88 मरतबा खिताब किया, ये हमारे लिए बहुत बड़े एहसास की बात है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू बराहे रास्त खिताब, इसमें दूसरा पॉइंट क्या है? अपनाइयत का और मोहब्बत का। इसको मिसाल देता हूँ, देखें एक वालिद है अपने बेटे को नाम लेके पुकारे इब्राहिम अब्दुल्ला, तो ये एक बात है, लेकिन वो कहे मेरे बेटे के से बरात में जगह जगह या बुनैया। अब बेटे के लफ्ज के अंदर जो अपनाइयत है ना वो नाम लेने में नहीं है, लेकिन बेटों को ये अपनाइयत महसूस कमी होती है। आजकल हजरत जी ने अपना वाक्य सुनाया, हजरत हाफिज भी हाफिज उल बिखारी ने नशवती दाम पर काम कहानियां ने फरमाया कि जब मेरे शेख भी दुनिया से चले गए और वालिद भी नहीं थे तो अब मुझे कोई हजरत कहता है, कोई मीर कहता है, कोई शेख कहता है, कोई बड़े बड़े अलतावार, लेकिन दुनिया में बेटा कहने वाला कोई नहीं। फरमाते हैं खातून से जब कभी फोन पे बात होती थी बड़ी उम्र की थी और वो जब बात करती तो पूछती बेटा कैसे हो,
तो हमारे थे फरमाया कि भाई उसकी लज्जत और तरावट ऐसी होती थी कि मेरा दिल करता था कि ये मुझे बार बार कहे बेटा कैसे हो, बेटा जीते रहो। जब बड़े होते ना उस वक्त इतनी कदर नहीं होती छोटों को, और बाद में फिर तरसा करते हैं कि कोई बेटा कहने वाला तो। एक अपनायत का एक ताल्लुक होता है इसका। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें या अय्युहल्लज़ीना आमनू, जो हमारा अल्लाह का ताल्लुक है ना, उस ताल्लुक से मुखातिब करके फरमाया ऐ ईमान वालो, ऐ मुझमें ईमान लाने वालो, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी का तौब अपने गर्दन में पहन लेने वालो, ऐ ईमान वालो। तो पहली आयत, इस आयत का पहला जुमला क्या हुआ, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, बराहे रास्त और अपनायत वाला खिताब। मोहब्बत को महसूस कर रहे हैं इस आयत को, या अय्युहल्लज़ीना आमनू। आगे क्या है, कुतिब अलैकुमुस सियाम, तुम्हारे ऊपर रोजे फर्ज कर दिए गए। अब इसके अंदर भी मोहब्बत की बातें हैं, लेकिन दुनिया में इंसान दाना बोता है, बीज बोता है तो दरख्त पाता है। वो चीज खरीदने के लिए पेमेंट करनी पड़ती है, तो गिव एंड टेक का उसूल है, तो कुछ पाने के लिए कुछ देना पड़ता है। तो कुतुब अलैकुमुस सियाम की क्या है, तुम्हारे ऊपर रोजे फर्ज कर दिए गए। तो हदीस में बता दिया गया कि बनी आदम के तमाम आमाल उसके अपने लिए हैं, हज करेगा अपने लिए, नमाज पढ़ेगा अपने लिए, सदका खैरात देगा अपने लिए, सारा फायदा उसका है। अल्लाह फरमाते हैं कि ये जो रोजे हैं ये मेरे लिए हैं और इसकी जगह मैं खुद हूँ। ये हदीस में बात मफहूम है, हदीस कुदसी का मैं आपको बता रहा हूँ। अल्लाह ताला फरमाते हैं अस्सौमु ली, रोजा मेरे लिए है और इसका बदला मैं खुद हूँ। और इसका एक तर्जुमा यूं किया गया कि इसका बदला मैं खुद दूंगा। अब दो बातों में बड़ी मोहब्बत और अपनाइयत है। कुतुबा अलैकुमुस सियाम, बंदे को डर होता था उतने रोजे क्यों फर्ज कर दिए गए, कोई बजट में कमी है, डंडी मारी गई है, होता ना हुकूमत डंडियां मार देती है पर कोई ना कोई तरीकों से, तो क्या हो गया, ये अल्लाह नाराज है हमसे, खफा है कि नहीं, खाना पीना नहीं, तो बंदे को ख्याल आ सकता है ना, वो खत्म कर दिया कि नहीं कुतुबा अलैकुमुस सियाम, ये रोजा मेरे लिए, इसकी जजा मैं खुद हूं। अब इस मैं खुद हूं को अगर समझें तो देखें, एक बादशाह था, उसकी चार बीवियां थी, तो एक से बड़ी मोहब्बत करता। अब बाकी बीवियों को ना बड़ी जल्दी से फील होती कि जनाब जो मोहब्बत की नजर उसमें पड़ती है हम पे नहीं पड़ती है। तो एक दिन बाकी तीनों ने ना एक मशवरा किया, बादशाह के पास आ गए कि जी अगर में हम अच्छी, खानदान हमारा बड़ा, नसब हमारा अच्छा, आपकी जो मोहब्बत की नजर उस पे पड़ती है हम पे क्यों नहीं पड़ती। बादशाह ने कहा इंशाल्लाह किसी और बात को मैं समझाऊंगा। बात आई गई हो गई, कुछ वक्त गुजर गया। एक दिन बादशाह ने चारों को कॉल कर लिया, बुला लिया, चारों आ गए, आज मेरा बड़ा दिल खुश है और मैंने खजाने से ना बड़ी कीमती कीमती चीजें, हीरे मोती जवाहरात बड़े कीमती उनकी मर्जी से मैंने मंगवाए और इन्हें मैंने डिस्प्ले करवा चुका हूँ उस तरफ, और तुम्हें इख्तियार देता हूँ, तुम जिस पर हाथ रखोगी वो तुम्हारा, और उसमें तुम्हारी अकल का इम्तिहान भी होगा कि कौन ज्यादा अच्छी चीज को सिलेक्ट करे। तो बस चारों तैयार हो जाओ, अभी मैं इशारा करूंगा वो सामने चीजें नजर आ रही हैं। अब सब मैंने अपनी निगाहें लगानी शुरू कर दी, तोलना शुरू कर दिया कि ये हीरा ज्यादा कीमती है या वो चीज ज्यादा अच्छी है, क्योंकि बाद में फिर विनर भी तो होना है। तो जब उन्होंने देख लिया, बादशाह ने कहा 1 2 3 वो जैसे होता ना अल्फाज मेरे हैं बाकी में, तो 1 2 3 वो कह के लिखा हुआ, फिर चलो जी। अब तीन जो थी ना दौड़ती भी गई अपनी अपनी पसंद की बेहतरीन से बेहतरीन सिलेक्शन उन्होंने कर ली, चौथी खड़ी रही जिस पर बादशाह की मोहब्बत की नजर ज्यादा जाती। अब उन तीनों ने कहा देखे बादशाह सलामत बेवकूफ, ऐसे रोजे मौके, ऐसे कोई ऐसे मौके को रोज रोज मिलते हैं, कितने बेवकूफ है आप, इससे मोहब्बत करते हैं, हम नहीं कहते थे कि बस ऐसे ही है। अब बादशाह ने उससे पूछा भाई आपको क्या
मेरी बात समझ में नहीं आई थी, क्या हुआ आप क्यों नहीं गई? उसने कहा बादशाह सलामत आपने यही कहा था ना जिस पर हाथ रखो वो मेरा। कहा मैंने यही कहा है। तो आगे बढ़ी बादशाह के कंधे पर हाथ रखा कि आप मेरे तो सब मेरा। जब रोजा रख के रब मिल गया तो जन्नत और बाकी सारी चीजें तो खुद बखुद आ गई। तो रोजा मेरे लिए इस जगह मैं हूं, एक तो ये इसका मफहूम है, रोजा मेरे लिए इसकी जगह मैं हूं, मैं बंदे को मिल जाऊंगा। और दूसरा इसका मफहूम क्या है, इसी हदीस को मुख्तलिफ देव जबर की तब्दीली के साथ भी लिखा गया मुहद्दिसीन ने, तो उसका तर्जुमा क्या बनता है वो भी बड़ा प्यारा। रोजा मेरे लिए है, इसकी जजा मैं खुद दूंगा। कयामत का दिन होगा, भाई नमाजें पढ़ी चलो भाई इसको भी जन्नत फरिश्तों से दिलवा दी, सदका ज़कात थी, वादे की खिदमत की, सच बोला चलो भाई ये सब दे दिए। अब रोजे की बारी आएगी तो अल्लाह फरमाते हैं मैं खुद दूंगा। जब अल्लाह खुद देंगे ना तो इसमें इस बात को यकीन कर लीजिए, जब अल्लाह रब्बुल इज्जत की दी हुई नेकी और अता हमारी नेकियों के पड़ने में आएगी, दूसरी तरफ कुछ भी हो अल्लाह की दी हुई अता हमारी जरूरत को पूरा करने वाली होगी। ये नहीं हो सकता फिर हम देखेंगे कोई नेकी और मिल जाए। अल्लाह की देन के बाद जो खुसूसी तौर पर बंदे को दी जाएगी उसके बाद बंदे का नेकी का पड़ना ना झुके, ये मुमकिन नहीं है। कैसे हो सकता है कि अल्लाह की खुसूसी अता के बाद बंदा मोहताज हो किसी बात का? ये नहीं हो सकता। इसकी सादा सी मिसाल देखें भाई, हमने बाजार से रोटी मंगवानी है, दाल मंगवानी है, कोई ग्रोसरी मंगवानी है, किसी को भी पैसे देते हैं जाओ भाई ले आओ, लेकिन कोई बड़ी डील करनी होती है ना, बड़ी अमाउंट होती है, कोई प्रॉपर्टी खरीदी बेची कोई बड़ा काम है, तो दरमियान वालों को निकाल देते हैं भाई तुम हटो ये मैं दे दूँ। तो जब अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद अता करेंगे ना वो तो बेहिसाब होगा और उसके बाद बंदे को किसी और नेकी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो क्या माना, या अय्युहल लदीना आमनु कुतिब अलैकुमुस सियाम। फिर भी बंदे को खौफ हो सकता था, पता नहीं क्यों कोई नाराजगी है। फरमाया कमा कुतिब अलल लदीना मिन क़ब्लिकुम। देखो भाई ये मोहब्बत के हुसूल का वो तसलसल है जो पहले भी चला आ रहा है, घबराने की कोई बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ तुम्हारे ऊपर ही है, पहले भी चला आ रहा है। कमा कुतिब अलल लदीना मिन क़ब्लिकुम। अब यहाँ दो बातें और सुन लीजिए, हुकूमतें जब ऑर्डिनेंस जारी करती हैं, तो ऑर्डर जारी करती हैं तो कहते हैं भाई करो, इतनी तफसील में कौन जाता है, इसमें तुम्हारा फायदा है, तुमसे पहले भी ये था ये था ये था, मैंने ऑर्डर दे दिया बात खत्म हो गई। अल्लाह रब्बुल इज्जत और अल्लाह रब्बुल इज्जत खाली ऑर्डर दे देते बात खत्म हो जाती, लेकिन मोहब्बत और गर्मी और अपनाइयत के साथ साथ यहाँ से मैसेज क्या मिल रहा है। हम लोग जब अपने छोटों को कोई बात कहते हैं ना आम तौर से ऑर्डर जारी करते हैं, वो बेटा हो बहू हो या वो मुलाजिम हो या मैनेजर हो ड्राइवर हो कुछ भी हो, हम खाली ऑर्डर जारी करते हैं, ये गलत तरीका है। उसको उसके फवाइद समझाने की जरूरत है, बात समझाने की जरूरत है, तो वो सारा काम खुद करके आपको देगा, आप रिलैक्स होंगे। मसलन एक मर्तबा किसी को भेजा भाई फलाना आलू या कोई सब्जी लेने भेजा ले आओ, और चला गया वापिस आके जी 450 रुपए किलो मिली थी आपने कहा था तो मैं ले आया, उसको बताया नहीं ना कि भाई मार्केट के रेट में मुनासिब रेट में मिल रही है तो लानी है वरना नहीं लानी। तो इसमें बहुत सारी बातें हैं, मतलब डिटेल है, खुलासा ये है हम अपने छोटों को कोई काम कहें तो उसके ना प्लस माइनस को उसको समझाएं, फिर वो जो काम करेगा ना तो कम वक्त में ज्यादा प्रोडक्टिविटी आएगी। हम खाली ऑर्डर जारी करते हैं, एक तो उनको उसका ये नहीं मालूम होता कि इस ऑर्डर की हिम्मत क्या है, हिम्मत मालूम हो वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करें, और दूसरा जब सिर्फ ऑर्डर जारी कर दिया जाए तो आपस में दो दफा मोहब्बत में इजाफा नहीं होता, अपनाइयत के साथ जो बात की जाए तो दो दफा मोहब्बत में इजाफा होता है। तो जितने भी लोग हैं किसी इदारे के बड़े हैं, मैनेजर हैं, कंपनी के हैं, घर के बड़े हैं, इस उसूल को अपना लें, फिर देखें उनके कामों का आसानियां कैसे होती हैं। तो या अय्युहल लदीना आमनू कुतिब अलैकुमुस सियाम कमा कुतिब अलल लदीना मिन क़ब्लिकुम।
अब यहाँ पे रुके और गए। 1400 साल पहले ये नबी अलैहि सलाम बता रहे कुरान की आयत, और आप उम्मी हैं, आपने तकाबुल अदियान का मजहब, तकाबुल अदियान का मजमून किसी से नहीं पढ़ा कि यहूदियत में क्या था, ईसाइयत में क्या था और पिछली और कौमों में क्या था। हम तो उम्मी, और उस जमाने में जो जहाँ रहता है उसे ये भी नहीं पता था दुनिया में कहाँ कहाँ आबादियां हैं और कहाँ कहाँ नहीं है, कोई कम्युनिकेशन आने वाली तो नहीं। उस वक्त ये बात कर देना एक उम्मी की तरफ से कि रोजे तुम पर फर्ज किए गए जैसे तुमसे पहली उम्मतों पर फर्ज किए गए थे, एक बहुत बड़ा दावा है, आम बात नहीं है। हम तो आए पढ़ के ऐसे गुजर जाते हैं, तो इसकी गहराई को समझे, बहुत बड़ा दावा है, चैलेंज दिया जा रहा है पूरे आलम को। और इस्लाम की हकानियत की बेहतरीन दलील है एक उम्मी उन रिसोर्सेज में रहते हुए ऐसा दावा कर रहा है कि पूरी कायनात में सबके ऊपर ये, पूरी दुनिया में सबके ऊपर ये है, हर दीनी मजहब में ये था। आज इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका आप खोल लीजिए, उसमें फास्टिंग के उन्वान के तहत लिखा हुआ है कि हमने दुनिया में जहां भी रिसर्च की हर मजहब के अंदर रोजे की इबादत है। तहकीक करने वाले भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस जमाने के फरमान को कंफर्म कर रहे हैं, तो वैसे कंफर्म है, हमें उनके दलाइल की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें समझाने की और समझने के लिए एक बात की जरूरत होती है। तमाम दीनी मजाहिब में रही है, और हजरत दाऊद अलैहि सलाम के जो रोजे थे वो तो बहुत ही अजीब, एक दिन रोजा रखते और एक दिन ना रखते, अल्लाह ने उन्हें पैगंबरी भी दी और बादशाह भी अता की। सो में दाऊदी मशहूर है, तो यहाँ से कैसी बात कुरान की मालूम हो रही है कि कैसा सच्चा कलाम है उनका। अब कहाँ तक पहुंचे थे हम यहाँ लिखते थे ना आमानु, सारा कुछ तुम करोगे तो फायदा तुम्हारा है, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम्हारे अंदर तक्वा और परहेजगारी आ जाए। अब ये मजमून आयत ने थोड़ा चेंज किया, अभी तक तो हुक्म जा रहा था, अब बताया जा रहा है इसमें तुम्हारे बेनिफिट्स क्या हैं। अब उन किस आयत में और रोजे के बेनिफिट्स के ऊपर हम बात करते हैं, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी हो जाओ। ये तक्वा क्या है, इसका फायदा क्या है, इस पर कुछ बात हो जाए, तुम परहेजगार बन जाओ। रोजे तुम इसलिए दिए जा रहे हैं कि तुम्हारे अंदर तुम्हारा जो नफ्स है तुम्हारे कंट्रोल में आ जाए, तुम्हारी तरबियत हो जाए किसी गुनाह के मौके पे, किसी ऐसी जगह के ऊपर जहां इंसान एकदम जज्बात में आके कुछ भी कर सकता है, नहीं तुम्हें अपने ऊपर कंट्रोल हो जाए, सेल्फ कंट्रोल तुम्हारा जो है ना मजबूत हो जाए, तुम्हें तकवा मिल जाए। तो रोजे का मकसद ये है, और तकवा की अहमियत के बारे में अगर गौर करें, या अय्युहन नास उबुदू रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीन मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अल्लाह फरमाते हैं कि दुनिया में बंदों को भेजने का मकसद ही यही है कि तुम तकवा इख्तियार करो। और आगे गौर करें, इंसान मस्जिद बनाता है तो फरमाया लमस्जिद उस्सिसा अला तक्वा, तो मस्जिद भी तकवा की वजह से बने। इंसान इबादत कर, इंसान हज करता है, कितनी बड़ी इबादत, ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب, तकवा आ गया। इंसान कुर्बानी ईद बकरीद के ऊपर कुर्बान जानवर का जानवर कुर्बान करता है, उसके बारे में क्या आया, लेकिन अल्लाह लहूहा वला दिमाहा वला इनारु तक्वा मिनकुम, उसका मकसद भी तक्वा। तो इन तमाम इबादात का खुलासा और निचोड़ तक्वा ही निकला, और ये मिलता है रोजे से। और देखें कुरान को देखें, हुदल लिल मुत्तकीन, ये जो कुरान और हदीस है ना,
हिदायत जिंदगी को मिलेगी जो मुत्तकीन होंगे। जन्नत किनके लिए है? मसल जन्नत लजी वईदन मुत्तकून, तक्वा वालों के लिए। कयामत के दिन तक्वा वालों को दो दर दो बड़े प्रोटोकॉल के साथ जन्नत में ले जाएंगे। वसीक الذين تقوا ربهم الى الجنه زمرا, पुल सिरात है, इंतहाई बारीक और जहन्नम के ऐन ऊपर ये पुल है, इससे उनको गुजरना है और हर एक में गुजरना है, रब का फैसला है। وَإِنَّكُمْ اللَّهُ وَارِثُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا, कि तेरे रब का पक्का फैसला, हर एक ने पुल सिरात से गुजरना है। जो गुजर के आपके जहन्नम, जो स्लिप हो गए नीचे जहन्नम की आग है, कौन गुजरेगा? जन्नत की नियामत देगी मुत्तकीन के लिए। तक्वा, हिदायत, जन्नत, कब्र, कयामत, हर हर जगह काम आए, ये मिलेगा रोजे से। अब तक्वा है क्या? अगर तुम्हें फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उबे बिन काब रजी अल्लाह तआला अन्हु ने पूछा तक्वा क्या है, और उन्होंने पूछा किसी खारदार रास्ते से चलें, आप कैसे गुजरते हैं? थोड़ा अपने आप को बचा के सिमटा के कहा, बस शरीयत में सिमट सिमटा सिमटाते हुए गुनाहों से बचते हुए चलना, गुनाहों के कांटों से बचते हुए चलना, ये तक्वा है। इंसान ये कहते हैं तकवा मिल गया, अभी गुनाहों से कैसे बचाता है? हमारे अंदर असल में तकवा नहीं है। जिसके अंदर तकवा होता है, तकवा अगर गुनाहों से बचा लेता है, इसके लिए देखें, इंसान लालच की वजह से गुनाह करता है, और कभी जो है वो हसद की वजह से करता है, कभी शहवत की वजह से करता है, और कभी गुस्से की वजह से करता है। ऐसे ही है ना, गुस्से में इंसान किसी को जानते मार दिया, उसे में करता है, तलाक उसे भी देता है, मोहब्बत से तो नहीं देता। फिर आगे कहते हैं, अगर बस वो गुस्से में था, कभी किसी ने कहा कि अपनी बीवी को आज आप मुझे बड़ी अच्छी लग रही है, बड़ी प्यारी लग रही है, मैं बड़ा खुश हूँ कि आपको तलाक दी, उसे भी देता है। तकवा हो तो कंट्रोल आता है। अब कुरान मजीद से जरा तकवा के ऊपर कंट्रोल की बातें सुन लीजिए। ये तो घड़ी लग जाए, जरा तेज चल रही है। इसमें चार बातें हैं जी। सबसे पहले हसद, अगर इंसान के अंदर तकवा है तो हसद की वजह से गुनाह से गुनाह नहीं कर सके, ये तकवा इंसान को रोक ले। तो भाई हैं, भाइयों में हसद शुरू से आ रहे हैं। आबिल और हाबिल नबी के बेटे हैं, हाबिल की होने वाली बीवी खूबसूरत, काबिल को हो गया हसद, सुनो मैं तुझे जान से मार दूंगा, बदल दूंगा। गुस्सा था, हसद की वजह से गुस्सा आया, इधर तकवा था, उधर गुस्सा था। मुत्तकी ने क्या जवाब दिया? लेकिन बलवान है, लेकिन बसत था ये लिए या तो क्या लग पा, अगर देख तो मेरी तरफ हाथ बढ़ाएगा ना, मैं ही तुझे कुछ। और भाई को पता नहीं, लेकिन दूसरा बंदा तकवा की वजह से गुस्से के मौके पे भी कंट्रोल किया। तो तकवा की वजह से हमें अपने नफ्स के ऊपर कंट्रोल मिल जाता है। फिर आमतौर से गुनाह होता है शहवत की वजह से, तकवा अगर हो तो कोई गुनाह से इंसान बच जाता। इसकी मिसाल हजरत यूसुफ अलैहि सलाम मुत्तकी नौजवान, वक्त की मलिका फर्स्ट लेडी ने दरवाजे बंद करके सारी तैयारियां करके इशारा किया हरी तरफ, अब आ भी जाओ। जब गुतुल इशारे करता है ना, वो जवानियां बह जाती हैं, बेकाबू हो जाती हैं। तो सारा उसका निजाम करके जब बुलाया, यहाँ तकवा था, कोई देखने वाला नहीं था, ना इन्नी माज़ अल्लाह, मैं अल्लाह से डरता हूँ। जब तकवा अंदर आ जाए, फिर इंसान मोबाइल फोन, इंटरनेट और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करे, ये गुनाह में नहीं जाए। फिर उसको कोई और नामहरम गुनाहों की पुकार दे, गुनाहों की तरफ पुकारे बुलाए, ये नहीं जाए। अगर तकवा है इसको रोकेगा, कुरान से बात साबित हो रही है। तीसरी बात, लालच की वजह से गुस्सा आता है, लालच की वजह से इंसान
हराम और हलाल की परवाह नहीं करते थे, जो लगता है खा जाओ, बहन का भी खा जाओ, भाई का भी खा जाओ, जो चाहे कर लो, पार्टनर का भी कर, जो चाहे, उसको मसला ही नहीं होता। लेकिन अगर तकवा है फिर नहीं खाएगा, फिर ख्याल करेगा। कुरान मजीद के अंदर आता है फिरौन जब अपने खजानों के साथ और अपने जनाब पूरे खुदाम के साथ निकलता था प्रोटोकॉल के साथ, तो लोग उसे देखने ना हैरान होते थे, जो दुनियादार किस्म के भी होते हैं कमजोर कम तकवा वाले, उनमें से किसी ने कईयों ने कहा या लैत लना मिस्ल मा उतिया कारून, काश मेरे पास भी इस तरह होता जितना कारून के पास है। आज हम बिल गेट्स का नाम लेने चले, हम सब के दिल की तमन्ना यही है, काश मेरे पास भी इतना होता जितना फलां के पास। हम सब के दिल की तमन्ना इल्ला माशाल्लाह सबकी यही, हमारा हाल यही, या लई तरणा मसलमा होतिया कारून, जितना कारून के पास था काश मेरे पास भी होता। अब इस तमन्ना का जब इजहार किया तो कुरान में आपसे अल्लाह ताला ने बताया है कि वहां जो उलामात है उनका वही लकुम, तुम्हारा नास हो सवाब अल्लाह ही खैर जो अल्लाह के पास है वो ज्यादा बेहतर है। ये क्या है, तो तकवा अंदर होता है कि इंसान दूसरे के माल को नहीं देखता, फिर अल्लाह की तरफ पहुंच रहे। और तकवा एक ऐसी नेमत है, इससे इंसान को इस्तेमामत मिलती है। इंसान जिंदगी गुजारता है ना, हालात आते हैं, कभी मंदे आ गए, कभी लॉकडाउन आ गया, कभी डाका पड़ गया, कभी सेहत चली गई, कभी औलाद चली गई, बेशुमार हालात आते हैं। तो उन हालात में शरीयत के ऊपर इस्तेमामत साहिब तकवा को मिलती है। ये भी कुरान में मिसाल है, तो इसके कई एक मिसाल देता हूँ। फिरौन की बीवी हजरत आसिया रजी अल्लाह तआला अन्हा मतलब मूसा अलैहि सलाम पर ईमान ले आई। फिरौन ने कहा मुझे अगर मान लो तो रह सकती है, वो मैं घर से निकाल दूंगा, सख्त तरीन सजा दूंगा। और सजा भी थी, चौबेहा करवाया, इधर भी पाओ में और हाथों में किले लिटा के ना, इधर भी मेखे डलवाती, इधर भी मेखे दोनों पाओ से भी, फिर पूरी जिस्म की खाद डलवाई। उन्होंने क्या फक्सी मान तकाद जो तुझसे हो सकता है तू कर ले, तो मेरे जिस्म से जान तो निकाल सकता है, मेरे सीने से ईमान नहीं निकाल सकता। कुछ भी हालात आ जाए इंसान फिर अल्लाह के दर को नहीं छोड़ता। ये मिलता है तकवा से जो हमारे पास नहीं, और रोजे से मिलता है तकवा। तो रोजे का मकसद क्या है, किसी को भूखा प्यारा भूखा प्यासा रखना तो मकसूद नहीं है, अंदर ये स्पिरिट पैदा करना है कि रब के हुक्म के सामने सर झुका दे। अल्लाह ताला फरमा बताना चाहते हैं मेरे बंदो, तुम एक महीना मेरे कहने से हलाल चीजों से भी रुक सकते हो, तो बाकी सारा साल के हराम से भी नहीं रुक सकते। इस बात की प्रैक्टिस करवानी कि रब के हुक्म को मानना है, गुनाहों से अपने आप को बचाना है। रोजे का मकसद ये है, जिसके अंदर आता है ना रोजेदार है और कोई उससे लड़े झगड़े, तो फरमाए कि वो कहे फर्ज अपन इतनी सवाई, मैं तो रोजेदार हूं, मैं नहीं तुमसे बहस कर सकता। तो तरबियत करवाना मिजाज देना मकसूद है। दुनिया में एनुअल वर्कशॉप्स होती हैं अपने नॉलेज को अपडेट रखने के लिए और बेहतर परफॉर्मेंस देने के लिए, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें सालाना एक एनुअल वर्कशॉप एक महीने की दी। जैसे फौजियों की मशकें होती हैं, वो लघु गर्म रखने का एक बात अमन के हालत में मशक्की होती है, इंसान तैयार रहे। तो ये जो एनुअल वर्कशॉप का आइडिया है ना, बेसिकली ये कुरान मजीद का आइडिया है कि भाई तुम सारा साल बाकी मामला में लगे अपनी रूहानियत को कमजोर कर बैठते हो, मेरे ताल्लुक को कमजोर कर बैठते हो, अब जरा आओ बढ़ो और मेरी मोहब्बत के कुछ गीत गाओ और मुझसे ताल्लुक को जोड़ लो, अपने नफ्स के ऊपर कंट्रोल सीख लो, जब फायदे भी तुम्हारे हैं, जन्नत भी तुम्हारी है। इसको क्या कहते हैं, लअल्लकुम तत्तकून। अब ये पूरी आयत का कुछ खुलासा किया, अभी इसमें बहुत बातें थी, आधा घंटा और लग सकता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम्हारे ऊपर रोजे फर्ज किए गए, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसे तुमसे पहले के किए गए, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी हो जाओ। तो जो आदाब के साथ गुनाहों से बचते हुए रोजा रखेगा उसको ये सारी नेमतें मिल जाएंगी, फिर जन्नत भी उसकी, हिदायत भी उसकी, सब कुछ उसका। इंशाल्लाह आइंदा जुमे को भी मैं लाहौर में ही हूँ, अभी मेरे सफर ही सफर रहे,
तो आज भी मैं 3 दिन के लाहौर के विजिट पे आया हूँ। तो गिलगित चित्राल और गिलगित और गिलगित बल्तिस्तान के सफर से भी वापसी हुई अल्हम्दुलिल्लाह। आने के बाद नरवाल भी चला गया और फिर कल मुझे हवाला में था, रात को फिर आया। अब कल हमारा 23 मार्च का एक फंक्शन था जिसमें आप रात को पहले दावत दी थी, तो शायद कुछ लोग आए हों। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा इदारा है उसकी तरफ से अल्काफ अवार्ड्स की कल तकरीब थी, तो बहुत अच्छा सिलसिला रहा। और हमारी जो तकरीबन 30 ब्रांचेज है 19,000 स्टूडेंट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसमें बहुत सारे जो हमारे साथी थे उनकी हौसला अफजाई के लिए जो है ना वो तकरीब थी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र बड़े अच्छे तरीके से पूरी हो गई। उधर गिलगित और चित्राल के इलाकों में पहाड़ों में भी हमारे अल्हम्दुलिल्लाह वोकेशनल सेंटर हैं, तालीमी दरसगाहें वो चल रही हैं। अल्लाह ताला अपनी रहमत से इन सबको कबूल फरमाए। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।